अच्छे से पोज दो यार और ठीक से स्माइल करो थोड़ा। मेरी जान खा ले मीठा पान। ऐसे फोटो खिंचवाओगे और थोड़ा सीरियस हो। ले सो की गाड़ी बच्चा दी भाभी बदतमीजी नहीं हो सब बच्चा और अच्छे से अच्छे से जाना ऐसी बात है ना तो बीच में बैठ जाना के तो थोड़ा साइड दो जानती हूँ। हाँ, मैं भी पहले आपका यूट्यूब चैनल बहुत देखते हैं। ये भी चैनल बहुत ये भी जाएगी। हाँ ये भी वीडियो जाएगी। हर गाड़ी खड़ी है देखती है हेलो एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस यहां पर देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, हम बराती और उधर है घराती। तो घराती लोग वहां इस तरीके से खड़े हुए हैं मतलब कि जा रहे हैं स्टेज पर आशीर्वाद देने। तो अभी हम भी जाएंगे यहां पर। मैंने बोला बाद में जाऊंगी बट गाँव के कोई थे दिलीप चाचा के लड़के जो उन्होंने बोला कि जाइए आप लोग जाइए। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग भी गए थे। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये मेरी नंद के हस्बैंड जी हैं जो उनके बगल में थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं जयमाल के लिए आशीर्वाद, सॉरी जयमाल के लिए नहीं यार क्या बोल रही हूँ, आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे। जयमाल तो उन दोनों का था ना। तो बस जा रहे हैं, मैं गई हूँ और मेरे हस्बैंड जी यानी आपके जीजू जी। और वहाँ पे देखिए वर्षा है, रिमझिम है और बाबू है, तीनों बहनें इकट्ठा बैठी हुई हैं और हम दोनों पीछे हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं और इसके बाद सभी लोग मतलब बारी बारी करके जा रहे हैं और आपके जीजू हैं। तो ये वाली क्लिप मैंने जानबूझ कर डाली है ताकि आप लोग जीजू को देख लो। आप लोग बोलते हो जीजू नहीं दिखते हैं, तो बस जीजू पहने हुए थे ये वाले, ये कोट पैंट पहने हुए थे, शादी वाला भी था उनका, मैंने कहा वो पहन लो, उन्होंने वो नहीं पहना ये पहना, तो ये भी अच्छा ही था। और ये उनके घर की तरफ का कोई है, मुझे नहीं पता है कौन है, यानी कि उनके लड़की के मायके के तरफ का तो कोई होगा रिश्तेदार, उतना मुझे नहीं पता, जितना मुझे जो पता उतना मैं बता दे रही हूँ। तो इसलिए मैं उधर की जो लोग गए थे आशीर्वाद देने के लिए मैं उनकी वीडियो ज़्यादा नहीं इसमें डाली हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी इसी वजह से बस। और इसके बाद ये जो गई हैं ये हैं इनकी दीदी मतलब कि विक्रम की यानी देवर जी की भैया दीदी और जीजा, हाँ दीदी और जीजा लगे। और ये हैं नीलम और नीलम के हस्बैंड जी, जैसा मैंने आपको बताया जो पीछे बैठे हुए थे मेरे मामा के मेरी मामा की लड़की और उनके दामाद, हाँ दामादी बोले, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। और यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, बाकी लोग नीचे बैठे थे तो यहाँ पे चेयर थी तो हम लोग बैठ गए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे मस्ती मजाक हो रहा है तो आप लोग सुनिए, और शुभ नहीं करूँगी वरना आप मिस कर दोगे। तो चलिए मायके माँ है पहुँच के रहे तो ससुर में गाड़ी बहुत देर थी मायके में पूछिस नहीं पहुँचे तो देख लो।
और इसके बाद हम यहाँ पर अंदर आ गए हैं, सारी रस्में हो चुकी हैं जयमाल, और ये हैं बड़े वाले भैया, सबसे बड़े हैं, जेठ लगे सबसे, यानी मुझसे और जो बैठी हैं उनसे और जो मनोज की वाइफ है उनसे सबसे बड़े वाले भैया हैं ये। तो यहाँ पे इन्होंने पैसा वगैरह डाला है, तो वो क्लिप शायद मिस हो गई है, थोड़ी बहुत आप आइए। तो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह जो दी जाती है शायद वो दी जा रही है, और मैं बैठ गई थी, रिकॉर्डिंग कर रहे थे आपके जीजू जी, तो ये जितने सारे बैठे हैं लड़की के पक्ष वाले उस साइड में, शायद हाँ शायद लड़की के पक्ष वाले ही बैठे हैं, और हम इधर बैठे हैं। मैंने साड़ी भी मतलब कि लहंगा भी मैंने चेंज कर लिया था, और यहाँ पे चढ़ाव चढ़ेगा जो भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो जब शूट हुई थी उसके बाद, यानी कि वीडियो बनी थी उसके बाद फिर मैं चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, हिम्मत नहीं थी बैठने की दो दिन से ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं मतलब कि मैं सफ़र कर पाती हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके गांव के ही हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो हम उस साइड बैठे हुए थे। थोड़ी सी क्लिप मेरी भी है तो आप पहचान लीजिएगा, बताइएगा, मैं बता ही दूंगी आपको, वरना बीच में तो मैं बता ही दूंगी। यहाँ पे अपना जो भी हो रहा है, ये है इनकी बहन जो मांग टिक्का लगाई है शायद, मैं थोड़ा सा वो, और ये मैं बैठी हुई बात कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ बस। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में फिर मैं मिलती हूँ। अभी यहाँ पे जो दिया जाता है, अभी मुझे लगा चढ़ाव नहीं चढ़ा, यहाँ पे जो जो कोच में डाले हैं वो ही हुआ है, उसके बाद शायद बाद में चढ़ाव चढ़ेगा, जो भी है मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में मैं मिलूँगी या घर पहुँच के मिलूँगी, वीडियो बन नहीं पाएगी। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट शादी से और मैं अपने घर में, तो हुआ कि शादी के टाइम में बाबू बहुत परेशान कर रही थी, मतलब कि रो रही थी, और जितने दिन वो गांव में थी उतने दिन उसका रोना था, बस यही बोल रही थी मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो, मम्मा घर, मतलब कि उसको वहां रहना ही नहीं था। तो किसी तरीके से एडजस्ट करके हम थे, फिर बाबू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, गाड़ी में भी सो गई थी, जिस टाइम हम बारात गए थे उस टाइम भी बाबू सो ही गई थी गाड़ी में, उस टाइम बाबू बारात गई है गाड़ी में सोते सोते गई है, और जब बारात लगी है वहाँ से तब बाबू उठी है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बारात में अपने देखा कि किस तरीके से एंजॉय किया, डांस किया, बाबू भी थी, और कुछ लोग बोल रहे थे दी आपके बाबू और हस्बैंड नहीं दिख रहे थे, तो बाबू उसी में है, आप देखिएगा, कभी वर्षा ली है, कभी दी थी एक वो ली थी, मतलब सभी लोग इसको ले रहे थे। तो कुछ देर मैं ली थी, कुछ देर इनके पापा लिए थे, और इनके पापा के लिए बोल रहे थे कि जीजू की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो जीजू जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उनकी कहाँ से आएगी, वो अपनी कैसे करेंगे, बैक कैमरे से कर रहे थे इसी वजह से। और दूसरी चीजें क्या हुई कि जयमाल हुआ हम लोग अंदर आए, और उस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा थकी लग रही थी, क्योंकि मुझे थक गई थी, दो तिलक वाले दिन भी हम लोगों ने खूब सारा डांस किया, 2 घंटे मैंने लगातार डांस की, और बारात में भी सेम वही चीज़ें हुई, कि बारात लगी थी वहाँ से डांस करना मैंने स्टार्ट किया, और इंड तक मैंने डांस किया, कहीं पे हम नहीं रुके थे। और बस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ घर पर आके, क्योंकि वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी गाड़ी में, तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई, ना ही आप लोगों को बता पाई, तो वीडियो का एंड यहीं कर देती हूँ। तो जल्दी आप लोगों के साथ अच्छा सा व्लॉग आएगा, अभी हम लोग जाएंगे कहीं होली में, तो वो भी आप लोगों को अच्छा सा व्लॉग देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।